मराठा आरक्षण की मांग को लेकर जालना में चल रहे आंदोलन को लेकर बड़ी खबर आ रही है और 7 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे मनोज खरांगे को मनाने के लिए महाराष्ट्र के मंत्री गिरीश महाजन और बीजेपी विधायक नीतीश राणे जालना पहुंचे हैं। दोनों नेताओं ने मनोज खरांगे से अनशन स्थल पर लंबी बातचीत की है। सरकार की तरफ से मनोज खरांगे से 1 महीने की मोहलत मांगी गई, लेकिन मनोज खरांगे ने सरकार की पेशकश को ठुकरा दिया है। मनोज खरांगे का कहना है कि 2 दिन के भीतर मराठा आरक्षण का सर्कुलर जारी होना चाहिए, अब इसके लिए महीने भर की कोई जरूरत नहीं। उधर गिरीश महाजन का कहना है कि ऐसे फैसले हड़बड़ी में नहीं होते, हड़बड़ी में फैसला हुआ तो कोर्ट में टिक नहीं पाएगा, लेकिन अनशन पर मनोज खरांगे ने सरकार की पेशकश को मानने से इनकार कर दिया है। जी हाँ, तो गिरीश महाजन की पेशकश को ठुकराते हुए अनशनकारी मनोज खरांगे ने चेतावनी भी दे दी है कि अगर 2 दिनों में सर्कुलर जारी नहीं होता है तो आंदोलन पूरे महाराष्ट्र में फैलेगा, यानी चेतावनी धमकी जो भी समझ लीजिए। लेकिन मनोज खरांगे ने ठुकराई सरकार की पेशकश, 2 मंत्री वहां पर पहुंचे और विधायक पहुंचे, लेकिन वो इनकार कर रहे हैं मानने से। नीतीश राणे की मौजूदगी भी है, आप देख पा रहे हैं तस्वीरें, और इसके साथ ही वहां के महाराष्ट्र के एक और मिनिस्टर वहां पर पहुंचे हुए हैं बातचीत करने की, लंबी बातचीत भी हुई। गिरीश महाजन भी पहुंचे और गिरीश महाजन कहते हैं कि ऐसे फैसले हड़बड़ी में नहीं होते हैं, अगर हड़बड़ी में फैसला ले लिया जाता है तो कोर्ट में टिक नहीं पाएगा। आपको हम रिएक्शन सुनवाते हैं। नहीं, पिछली सरकार जब 2.5 साल थी तब तो ये काम हुआ ही नहीं था। हमारी सरकार आने के बाद एकनाथ जी शिंदे मुख्यमंत्री बनने के बाद हमने समिति नियुक्त की यहाँ पे और उसके बाद एक काम को शुरुआत हुई थी, लेकिन बीच में जो ऑफिसर थे, जो मसूल के सेक्रेटरी थे उनका ट्रांसफर हो गया, कुछ उपायुक्त थे उनकी ट्रांसफर हो गई, डेप्यूटी सेक्रेटरी थे उनकी ट्रांसफर हो गई, इसलिए थोड़ा विलंब इसमें जरूर हुआ है। तो मैंने अभी मनोज जी से यही कहा है कि अभी और 1 महीने की मोहलत इस कामकाज के लिए, इस काम के लिए हमको आप दें, जरूर आपकी जो मांग है, आपकी जो डिमांड है उसमें आपको अच्छी तरह से, मतलब जिसको कुछ बेस जो है वो भी उसमें होना चाहिए। अब मनोज जी का कहना कि 2 दिन के अंदर ही फैसला करो, 2 दिन के अंदर ही हमको सर्कुलर निकाल के दो, मुझे लगता है ये बहुत जल्दबाजी होगी। इसमें कोर्ट में ये कुछ, इसमें कोई कोर्ट 1 दिन में इसको निकाल देगा, मेरा ये मानना है। मेरा भी अनुभव है, बहुत सारे आंदोलन है, बहुत सारे में भी 30 साल का मेरा विधानसभा का अनुभव है, तो मुझे ऐसे लगता है कि 2 दिन इसमें पर्याप्त नहीं है। 3 महीने ठीक है, 3 महीने में कामकाज नहीं हुआ, उसके कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थे, आप 1 महीने का समय और दीजिए। अगर इसको शाश्वत देना है, हमेशा के लिए परमानेंट इसको कोई आरक्षण देना है या कुछ न्याय देना है तो मुझे लगता है 1 महीने का समय देना पड़ेगा, ऐसी विनती हमने इनको की है। चर्चा शुरू हो गई, फिलहाल चर्चा शुरू हो गई सरकार से, हम सरकार से बातचीत कर रहे हैं, सरकार को ना हमको 2 दिन का समय दिया है, सरकार हमको आरक्षण 2 दिन में देगी, नहीं देगी तभी हमारा अनशन शुरू है, वो जरूर रहेगा, शांतता से ये जरूर है। 1 महीने के लिए क्यों तैयार नहीं हो? नहीं नहीं क्यों, एक जार निकालना है, एक अध्यादेश सर्कुलर निकालना है, 1 महीना क्यों लगता ही नहीं। 3 महीना पहला प्रेड हमने दिया, उसको समिति थी, समिति का अहवाल होगा, इसलिए महीना देने की जरूरत नहीं, ये मुझे लगता है कि महीना देने की जरूरत नहीं, 1 सर्कुलर निकालने के लिए 1 दिन काफी है, तभी हमने 2 दिन दे दिए। सरकार ने सर्कुलर निकाल कर मराठवाड़ा सह महाराष्ट्र का सबका न्याय देने का काम करेंगे, ये काम करना है, ये हमारी मांग है उनको, अने वो करेंगे ऐसी आशा है। बाकी का महाराष्ट्र के लिए 3 महीने का पीरियड दिया है, लेकिन मैं 2 दिन में नहीं दिया मराठवाड़े को तो मैं एक समान सब करने वाला हूँ, महाराष्ट्र को और मराठवाड़े को एक साथ, उन्होंने चेंज टाइम पीरियड चेंज किया, मैं भी टाइम पीरियड चेंज करूंगा। तो जालना में ये विरोध प्रदर्शन हुआ, लाठीचार्ज हुआ और इसको लेकर ये अनशन और संग्राम और बातचीत का दौर देख पा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और पंकज खिलकर का रुख करते हैं, महाराष्ट्र और जालना में ही हमारे सहयोगी पहुंच चुके हैं जहां पर ये अनशन चल रहा है। पंकज, आपसे जानना चाहेंगे अभी हालात क्या है, अनशनकारी अभी वहां पर क्या मौजूद है और सरकार की तरफ से पेशकश तो हो रहा है लेकिन बातचीत कैसे, ये नतीजा कैसे इसमें परिणाम में तब्दील होगा, अभी क्या जानकारी है और क्या देख पा रहे हैं? देखिए आशुतोष, यहाँ पर जो अंतरवाली सराटी गांव है जो कि जालना जिले के अंबड़ तहसील में है, वहां पर ये अनशन आंदोलन चल रहा है। मनोज खरांगे पाटिल, ये जो युवक है 42 साल के, वो आमरण अनशन पर है। आज का 7वां दिन है, कल शाम को गिरीश महाजन, नीतीश राणे आकर ने समझा कर गए लेकिन वो मानने को तैयार नहीं,
बाद में विरोधी पक्ष नेता विजय वडेट्टीवार भी आए थे, उन्होंने भी समझाने की कोशिश की और किस तरह से ये आरक्षण है वो मिल पाएगा, इसलिए सब उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक महीने का समय देना चाहिए। लेकिन जो मनोज झरांगे पाटिल है उनका सीधे सीधे कहना है कि जो कुणबी मराठा है अगर वो उन्हें दे दिया जाता है, वो स्टेटस सभी मराठों को दिया जाता है, तो ये जो पेंच है या ये जो बड़ा सवाल है ये गुत्थी सुलझ जाएगी, अदालत में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि पहले से ही ओबीसी और कुणबी मराठा को आरक्षण महाराष्ट्र में है, वही आरक्षण अन्य मराठाओं को भी दे दिया जाए, यानी कि जो स्टेटस वो चाहते हैं अन्य मराठों को वो कुणबी मराठा का स्टेटस चाहिए, यही उनकी बात है। इसीलिए अपनी जानकारी भी देते रहिए साथ साथ और तस्वीरें भी दिखाते रहिए, थोड़ा सा क्या कुछ माहौल है, कितने लोग पहुंचे हुए, ये सब कुछ अपने कैमरे में दिखाइए जरा। देखिए यहाँ पर पीछे आप देख रहे हैं कि जो आसपास के गांव वाले हैं वो बड़ी संख्या में यहाँ पर समर्थन देने के लिए आए हैं, साथ ही साथ अगर पीछे देखेंगे जो पंडाल में जो मंच बना हुआ है वहाँ पे मनोज झरांगे पाटिल बैठे हुए हैं, वहाँ पर भी भीड़ लगी हुई है, साथ ही साथ ये जो छोटा सा गाँव है यहाँ पर जो ताता लगा हुआ है लोगों का, लोग बड़े संख्या में आकर समर्थन दे रहे हैं, साथ ही साथ जो हाईवेज है यानी जो जालना या औरंगाबाद बीड़ हाईवे है वहां पर भी समर्थन देने के लिए लोग इकट्ठा हो रहे थे, जगह जगह पर गाड़ियां आवाजाही रोकी जा रही थी लेकिन कहीं पर भी हिंसा नहीं हो रही है, सब तरफ पर जो देखने को मिल रहा है कि वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, कुछ देर के लिए आवाजाही रोक देते हैं फिर आवाजाही शुरू हो जाती है, लेकिन यहाँ पर जो सबका आरक्षण या सबका ध्यान इस तरफ इसीलिए गया है कि जो अमानुष तरीके से लाठीचार्ज हुआ उसके बाद ये जो छोटा सा गांव है, ये जो अंचन है वो सबके नजर में आया है और आरक्षण का मुद्दा गरमाया हुआ है।